प्रभु यीशु पवित्र परम प्रसाद के रूप में हमारे बीच में इस वक्त आ रहे हैं। प्रभु ने एक एक व्यक्ति को बताया है कि उससे दूर जाने का नतीजा क्या है। वो हमसे मिलने के लिए आ रहा है प्यारे भाई और बहनों, हमें सांत्वना देने के लिए, हम पर दोष लगाने के लिए नहीं, हम पर दोष लगाने के लिए नहीं आया है। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना।
जाइए। हर बीमारी दूर हटे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
आपके सामने प्रभु से पूछ लेना, बातें कर लेना कि प्रभु मुझ में किस चीज की कमी है, मुझ में किस बात की कमी है। एक युवक प्रभु के पास आया और कहने लगा, भले गुरु, स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने उसे समझाया, तुम संहिता के नियमों को जानते हो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, पराई धन का लालच न करो, प्रभु का दिन पवित्र रखो, हत्या मत करो। और उसने जवाब दिया कि ये काम तो मैं बचपन से करता आया हूँ, मुझ में कौन सी बात की कमी है। प्रभु ने उससे कहा कि तुझ में एक बात की कमी है,
जाओ अपनी संपत्ति बेचकर गरीबों में बांट दो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी रहेगी। हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही हो सकता है जिसे हम बहुत अधिक प्यार करते हैं, जिसे हम प्रभु से भी ज्यादा अधिक इंपॉर्टेंस देते हैं। तो शामुएल के ग्रंथ में अध्याय 2 पद संख्या 30 प्रभु का वचन कहता है, प्यारे भाई और बहन, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, जो मेरा आदर करते हैं मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन जो मुझे तुच्छ जानते हैं मैं भी उन्हें तुच्छ समझूंगा। शामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 30 में प्रभु कहता है कि एक समय ऐसा आएगा जब मैं तुम्हारी तथा तुम्हारे पिता के घराने की शक्ति को समाप्त कर दूंगा अगर तुम मेरी बातें ध्यान से नहीं सुनोगे। प्रभु का सानिध्य हमें घेरे हुए है, इस वक्त वो हमारे बीच में है, वो हमसे मिलने के लिए आया है, हमसे बातें करने के लिए आया है, आशीष देने के लिए आया, चंगा करने के लिए आया है। वो जिस जिस घर में जाता था उद्धार मुक्ति शांति उस घर में आती थी, वो जिस जिस कस्बे में गली में निकल गया जहां जहां उसके पैर पड़े, जहां जहां वचन सुनाया लोगों ने हृदय से पश्चाताप किया, टाट ओढ़कर और प्रभु के वचन को सुना और उन्होंने प्रभु की ओर लौटने का निर्णय लिया। प्यारे भाइयों और बहनों, वही यीशु आपके गली में, आपके घर में, इस हॉल में, इस प्रांगण में, आपके शहर में प्रभु आया है। वो आया है, खुशियां आपके लिए लाया है, चंगाइयां आपके लिए लाया है, बरकतें आपके लिए लाया है, उन्नति आपके लिए लाया, आशीर्वाद वो लेकर आया है, वो अपनी झोली में सब कुछ लेकर आया है। प्यारे भाइयों और बहनों, आपको देने के लिए, क्योंकि उसने आपके आंसुओं को देखा है, उसने आपके बीमारियों को देखा, उसने आपके स्वास्थ्य को देखा, उसने आपके आचरण को देखा और परखा, उसने आपकी धार्मिकता को देखा, इसलिए वो आया है, वो आया है, वो आया है। यीशु आया है, 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 मेरे घर जीवन का आनंद लाया है।
आपके शहर में आया है और वो एक एक का नाम लेकर ही कह रहा है, माइकल, अनीता, मोनिका, रजीना, मुझे देखने से तेरा कुछ नहीं होगा, मुझे तेरे घर में आना पड़ेगा, मुझे देखने से तेरा कुछ नहीं होगा, मुझे तेरे घर में आना पड़ेगा, तू मेरा आदर करेगी, मेरा आदर करेगा तो मैं तेरे साथ बैठूंगा और भोजन करूंगा, मैं तेरे साथ बैठूंगा और भोजन करूंगा और तू मेरे साथ। प्यारे भाइयों और बहनों, यहां पर जितने भी लोग इस वक्त मौजूद हैं इस भवन में और भवन के बाहर, अपना मन और आत्मा और हृदय प्रभु की ओर उठाना, ये पवित्र समय है, प्रभु आपसे बातें कर रहा है, ही इज टॉकिंग टू यू, ओपन योर हार्ट्स माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, पोर आउट एवरीथिंग टू हिम, अपनी जिंदगी की सारी हकीकत को बोलते जाना। देखिए, इंसानों को बताएंगे तो वो आपकी मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे, लेकिन अगर आप प्रभु को अपनी हकीकत बयां करेंगे, उसके पास प्रायश्चित के साथ लौट आएंगे तो वो आप पर दया करेगा, क्योंकि वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। आप अपनी शारीरिक दवाई के लिए वैद्य के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और उसे अपनी बीमारी बताते हैं और वो आपकी बीमारी की दवाई आपको देता है। आत्मा की चंगाई और शुद्धिकरण के लिए प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु यीशु आशीष लेकर आया है। द लॉर्ड हैज कम टू हील यू, द लॉर्ड हैज कम टू रेस्टोर योर लाइफ, द लॉर्ड हैज कम टू रेस्टोर एवरीथिंग व्हाट यू हैड बीन, जो आपने खोया था, whatever you had lost in your life, the Lord has come to restore in your life. वो हो सकता है आपका पैसा, हो सकता है आपकी इज्जत, हो सकता है आपका सम्मान, अगर आपने जिंदगी में खोया तो प्रभु उसको वापस दिलाने के लिए आया है, वो आपके घर पर दया करने के लिए आया है। There are some people, those who are running after the jobs but not getting, प्रभु के पास आना, वो आपके लिए प्रबंध करेगा, क्योंकि मेरा प्रभु प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। उसने इब्राहिम के लिए प्रबंध किया। प्यारे भाइयों और बहनों, द लॉर्ड विल अरेंज द थिंग्स फॉर यू। जब जकेउस प्रभु के रास्ते पर पेड़ पर जाकर चढ़ गया और उसको देखने लगा तो यीशु ने कहा, ओ जकेउस जल्दी नीचे आओ, ओ जकेउस जल्दी नीचे आओ, मुझे देखते रहने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, मुझे तेरे घर में आना पड़ेगा। यीशु को अपने घर में लेके जाना, उसके वचन को आप अपने घर में लेके जाना। टेक लॉर्ड जीसस अलोंग विद यू, टेक द वर्ड ऑफ गॉड इन योर हार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बी ट्रूथफुल टू हिम, उसके सामने विनम्र बने रहें, उसके सामने विनम्र बने रहें। और इसलिए संत पौलुस हमें बताता है इब्रानियों का पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 में कि तुम अपने शिथिल घुटनों को और हाथों को सबल बना लें। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो संत पौलुस इब्रानियों को लिखता और कहता है कि अपने शिथिल हाथों को सबल बना लें।
अपने घुटनों को भी आप सबल बना लें, उसके सामने हाथों को उठाना, माफी मांगना, दया की याचना करना। इस वक्त पुरोहित आपके ऊपर पवित्र जल छिड़केंगे जिससे कि आप शुद्ध हो जाएं, उसका पवित्र लहू आपके ऊपर छिड़का जाएगा इस पवित्र जल के रूप में, और आपको प्रभु चंगाई शुद्धि प्रदान करे। एक एक व्यक्ति उन बातों के लिए प्रभु से दया की याचना करना, जाने अनजाने में यदि दाम्पत्य जीवन की जड़ें पवित्र नहीं रही, उनमें कोई अपवित्रता रही, अप्राकृतिक रूप से आपने चीजों को किया, माफी मांगना। अपने बच्चों के लिए जिनको हो सकता है आपने गलती के कारण श्राप दे दिया, क्योंकि बाइबल कहती है श्राप और आशीर्वाद दोनों तेरी जुबान के अधीन है। अगर माता पिता ने बच्चों का दिल दुखाया तो प्रभु से क्षमा की याचना करना। बच्चों ने अभी अगर मम्मी पापा का दिल दुखाया तो क्षमा की याचना करना। प्रभु का दिन पवित्र नहीं रखा तो प्रभु से सॉरी मांग लेना। प्यारे भाई प्यारी बहन, वो सहज ही द्रवित हो जाता और वो क्षमा करेगा। कहता है स्त्रोत संख्या 70 पद संख्या 5, जो तेरी खोज में लगे हैं वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएंगे। हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जो तेरी खोज में लगे हैं, जो तेरी खोज में लगे वे सभी उल्लास के साथ, वे सभी उल्लास के साथ आनंद मनाएंगे, आनंद मनाएंगे, जो तेरे द्वारा, जो तेरे द्वारा मुक्ति चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, वे निरंतर ये कहते रहें, वे निरंतर ये कहते रहें, प्रभु महान है, प्रभु महान है। हालेलुया 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 हालेलुया। जो उठना टेक सकते हैं टेकें, जिनके हाथ में बाइबल है ले लें। प्रायश्चित के इस अवधि में इस वक्त सामूहिक रूप से प्रभु का वचन दोहरा के हम प्रायश्चित करेंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, चुने हुए लोगों के लिए। इस भजन के द्वारा हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। स्त्रोत संख्या 51, जिसके पास बाइबल है वो खोल ले, जिनके पास नहीं है मेरे पीछे दोहराइएगा।
ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर, ईश्वर तू दयालु है मुझ पर दया कर, तू दया सागर है मेरा अपराध क्षमा कर, तू दया सागर है मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर, मुझ पापी को शुद्ध कर, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है, इसलिए तेरा निर्णय सही, इसलिए तेरा निर्णय सही, और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है, और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है, मैं तो जन्म से अपराधी, मैं तो जन्म से अपराधी, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ, अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे, मुझ पर जूफा से जल छिड़क दे, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, और मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिमसे भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिमसे भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, और तुझसे रोंदी हुई हड्डियां, और तुझसे रोंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी, फिर खिल उठेंगी, मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना, अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना, उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना, मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा, मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा, पापी तेरे पास लौट आएंगे, पापी तेरे पास लौट आएंगे, ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर, ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर, और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा, और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा, प्रभु मेरे होंठ खोल दे, प्रभु मेरे होंठ खोल दे, और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा, और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता, यदि मैं होम चढ़ाता, यदि मैं होम चढ़ाता, तो तू उसे अस्वीकार करता, तो तू उसे अस्वीकार करता, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा, प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर, प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा, तब तू योग्य बलिदान, तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा, होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा, और तेरी वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाएंगे, और तेरी वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाएंगे, हालेलुया 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 हालेलुया। उस क्षण मौन हो जाएं, अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर लगाएं, यह पवित्र समय है,
इस वक्त प्रभु इस पावन रोटी के रूप में, पवित्र संस्कार के रूप में हमारे बीच में आप इस वक्त जहाँ कहीं भी हैं, घर में हैं, बाहर हैं, यात्रा में हैं, गाड़ी में हैं, जहाँ कहीं भी मौजूद हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु आपके बीच में मौजूद है। वो पवित्र आत्मा इस वक्त हमारे बीच में अपना कार्य करे, एक एक के हृदय को स्पर्श करे। वो हृदय जिनमें बड़ा दुख है उन्हें स्पर्श करे और सांत्वना दे। जो टूटे हुए हैं, जो मन से उदास हैं, जो अपनी जिंदगी में हताश हो चुके हैं, अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, प्रभु कहता है ढारस रखो, अब मेरी प्रजा को ढारस बंधाओ और इनसे कहो कि मुक्ति का दिन आ गया है। प्रभु शूरवीर की तरह न्याय करने के लिए आ रहा है, सांत्वना देने के लिए आपके बीच में वो प्रकट हुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, कहता है हर वो शस्त्र जो तेरे खिलाफ गढ़ा गया है अब वो सफल नहीं होगा, तू उसका खंडन करेगी। यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 57 पद संख्या 17 से प्यारे भाइयों और बहनों, इस वक्त प्रभु हमसे कह रहे हैं, वो आपसे ये वचन कह रहे हैं कि क्योंकि मैं सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, यह कहता है कि मैं तो उच्च तथा पावन स्थान पर निवास करता हूँ, किंतु मैं विनीतों और ढारस बंधाने को पश्चातापी हृदयों में नवजीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्य के साथ भी रहता हूँ। वो आपके साथ में है, कहता है मैं ना तो सदा के लिए दोष दूंगा और ना निरंतर क्रुद्ध रहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनका मन टूट जाए। कहता है कहीं ऐसा ना हो कि आपका मन टूट जाए, इसलिए मैं निरंतर तुम्हें दोष नहीं दूंगा, मैंने ही तो तुम्हारी आत्माओं की सृष्टि की है। मैं इज़राइल के अपराध पर क्रुद्ध हुआ, क्रुद्ध होकर अपनी कृपा दृष्टि उस पर से मैंने हटा ली, मैंने उसे मारा क्योंकि वह अपनी हठधर्मी में भटक गया था। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता है अब मैंने उसका आचरण देखा है, अब मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा, मैं उस पर सदा के लिए दोष नहीं लगाऊंगा, मैं उसका पथ प्रदर्शन करूंगा। कहता है मैं दुखियों को यह कहकर शांति प्रदान करूंगा, जो दूर हैं और जो निकट हैं सबको शांति मिले। और प्रभु ये कहता है मैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। इसलिए प्रियजनों, इस वक्त अपने अपराध बोध के कारण आप अपने आप को निराश ना होने दें। प्रभु दया करता है, वो मारता है और जिलाता है, वो पहले हमें घायल करता है लेकिन वचनों से हमारे घावों पर पट्टी बांधता है। उसकी उपस्थिति यहाँ पर मौजूद है। द माइटी डिलीवरेंस विल टेक प्लेस राइट नाउ, द माइटी डिलीवरेंस विल टेक प्लेस राइट नाउ माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, क्योंकि प्रभु ये कह रहा है प्राश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15, रिपेंट बिलीव फॉरगिव एंड यू विल बी फॉरगिवन, रिपेंट बिलीव ट्रस्ट इन मी, लिसन टू माई वर्ड्स आर लाइफ एंड स्पिरिट, माई वर्ड्स आर लाइफ एंड स्पिरिट, दे विल ट्रांसफॉर्म यू, वो तुम्हें बदल देंगे, तुम्हारा जीवन बदल देंगे। पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे, वो पवित्र आत्मा इन तमाम चिन्ह और चमत्कारों को हमारे बीच में प्रकट करे। हे पावन आत्मा तू आ, 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 आत्मा तू आ।
कुछ लोग हैं जो प्रभु से बहुत दूर हैं, अपने शरीर में कमजोरियों के कारण, गलतियों के कारण प्रभु के पास लौट कर चले आना। आप में से कुछ माता पिता बच्चों के कारण बहुत ज्यादा चिंतित हैं, तो आप में से कुछ लोग हैं बहुत ज्यादा प्रभु के नजदीक आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी अपने इंद्रियों पर वश नहीं है, इसलिए आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाते हैं। आप में से कुछ लोग बहुत टूटे हुए हैं और यही आस लेकर आए हैं कि प्रभु आपके जिंदगी से वो बंधन तोड़ दे। आप में से कुछ परिवार जिनमें नशे का प्रकोप है, ड्रग्स का प्रकोप है, क्रोध की दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, प्रभु कहता है तुम मेरे पास लौटो, एक दूसरे को सहन करो, एक दूसरे को क्षमा कर दो और मैं तुम पर आशीर्वाद प्रदान करूंगा। देयर आर सम पीपल continuously looking for success in life but they are not getting success. इस वक्त प्रभु आपको क्षमा कर रहा है, आपके जीवन से उस बंधन को तोड़ रहा है। Yes, 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 yes. In the name of Jesus, be healed, be cleansed and delivered. Be healed and be cleansed and delivered in the name of Jesus. I disconnect and cancel every evil spirit in the name of Jesus. यीशु के नाम से, आपके शरीरों से, आपके घर से हर प्रकार की अंधकार की शक्ति को मैं कैंसल करता हूँ, डिस्कनेक्ट करता हूँ। यीशु के वचन के द्वारा अधिकार लेता हूँ। यीशु ने कहा जिस पर हाथ रखोगे वो चंगे होंगे, जिसके पाप क्षमा करोगे वो क्षमा हो जाएंगे। I claim the deliverance and healing in the name of Jesus. Open your hearts to Jesus और कहें, पूछें प्रभु से कि प्रभु मेरी जिंदगी में इतनी पीड़ा क्यों है, मेरी जिंदगी में इतना कष्ट क्यों है, मेरी जिंदगी में इतनी असफलता क्यों है, प्रभु मेरी जिंदगी में इतने खराब जिंदगी में क्यों जी रहा हूँ, प्रभु बार बार मुझे आंसू बहाने पड़ते हैं, क्यों प्रभु मुझे बताइए। वो आपको बताएगा प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए तो वो आया है आपको चंगा करने के लिए, जीवन देने के लिए। याद कीजिए कि प्रभु एजेकेल नबी को एक वैली में ले गया, एक घाटी में ले गया और वो वैली सूखी हड्डियों से भरी हुई थी। परमेश्वर ने पूछा, मानव पुत्र क्या इन सूखी हड्डियों में जान आ सकती है? प्यारे भाई और बहनों, एजेकेल कहता है प्रभु आप ही जानते हैं। तो परमेश्वर ने उससे कहा भविष्यवाणी करो, इन्हें वचन सुनाओ। प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल में लिखा है एजेकेल नबी का ग्रंथ अध्याय 37 पद संख्या 4 में, इस पर उसने मुझसे कहा इन हड्डियों से भविष्यवाणी करो, इनसे यह कहो ओ सूखी हड्डियों प्रभु की वाणी सुनो, प्रभु ईश्वर इन हड्डियों से यह कहता है मैं तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी। द लॉर्ड इज टेलिंग यू दैट आई विल इन्फ्यूज माई स्पिरिट इन यू, मैं तुम में अपना प्राण डाल दूंगा, मैं तुम पर स्नायु लगाऊंगा, तुम में मांस चढ़ाऊंगा भरूंगा, तुम पर चमड़ा चढ़ाऊंगा, तुम में प्राण डालूंगा और तुम जीवित हो जाओगी और तुम जानोगी कि मैं ही प्रभु ईश्वर हूं। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, जाने अनजाने में मैं आपसे दूर चला गया था। मैं सूखी हड्डियों के समान हो गया हूँ। मुझे हरा भरा बना दीजिए। हालेलुया। और प्रियजनों, वचन सुनते ही वो हड्डियां आपस में जुड़ने लगी। और मैं देख रहा था कि जब उन पर स्नायुएं लगी, उनमें मांस भर गया और उन पर चमड़ा चढ़ गया, किंतु उनमें प्राण नहीं थे। उसने मुझसे कहा मानव पुत्र प्राण वायु को संबोधित कर भविष्यवाणी करो और यह कहकर भविष्यवाणी करो, प्रभु ईश्वर यह कहता है
प्राण वायु चारों दिशाओं से आओ और उन मृतकों में प्राण फूंक दो जिससे उनमें जीवन आ जाए। और मैंने उसके आदेशानुसार भविष्यवाणी की और उनमें प्राण आए, वे पुनर्जीवित होकर अपने पैरों पर खड़ी हो गईं और एक विशाल बहुसंख्यक सेना थी। तब उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, ये हड्डियां समस्त इजरायली हैं, ये हड्डियां समस्त इजरायली हैं। वे कहते रहते हैं, हमारी हड्डियां सूख गई हैं, हमारी आशा टूट गई है, हमारा सर्वनाश हो गया है। अब तुम उनसे कहोगे, प्रभु ये कहता है, मैं तुम्हारी कब्रों को खोल दूंगा, मेरी प्रजा मैं तुमको कब्रों से निकाल कर इज़राइल की धरती पर वापस ले आऊंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपसे ये कह रहा, मैं तुम्हारी असफलता से निकाल कर तुम्हें सफलता दिलाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से आजाद कर तुम्हें नया जीवन नया प्राण भर दूंगा। बोलिए आमीन। कहता, मैं तुम्हारे बेटे और बेटियों के लिए तुम्हारे लिए प्रबंध करूंगा। बोलिए आमीन। प्रभु कहता, मैं तुम्हारे घरों को बनाऊंगा। प्रभु कह रहा, मैं तुम्हारी सूखी हड्डियों में प्राण डाल दूंगा। आमीन। तुम दर दर भटकते थे लेकिन अब तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा। आमीन। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे लिए आच्छादित घरों का निर्माण करूंगा। आमीन। प्रभु कहता, तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौट कर आ रहा हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु कहता, मैं तुम्हें तुम्हारी अपनी धरती पर बसाऊंगा और तुम लोग जान जाओगे कि मैं ही प्रभु हूँ और मैंने ये सब किया है। ये आज का संदेश है, वो आपके सामने है। प्यारे भाई और बहनों, आपको छू रहा, एक एक व्यक्ति को महसूस करना कि प्रभु ने जिसको छुआ वो चंगा हो गया और जिसने विश्वास के साथ प्रभु को छुआ वो चंगा हो गया। प्रभु तरस खाकर हमें स्पर्श करता है। जो सच्चे आराधक आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसे ढूंढते हैं, खोजते हैं, वो उन्हें मिल जाता है। इसलिए बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, सेकंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स चैप्टर 7 वर्स 14, आज से इस घर में जो प्रार्थना होगी मेरी आंखें उसे देखती रहेंगी और मेरा कान उसे सुनता रहेगा। दूसरा इतिहास ग्रंथ, आज से इस घर में जो प्रार्थना होगी मेरा कान उसे सुनता रहेगा और मेरी आंखें उसे देखती रहेंगी। कहता है, यदि मेरी अपनी प्रजा विनय पूर्वक मेरे दर्शन करना चाहेगी, मेरे पास लौट कर आएगी, तो मैं उसकी प्रार्थना को सुन लूंगा। जब वो मेरे दर्शन करना चाहेगी तो मैं उनसे कहूंगा, देखो कि मैं प्रस्तुत हूं, देखो कि मैं प्रस्तुत हूं। कहता है, मैंने इस मंदिर को इसलिए चुना और इसलिए पवित्र किया है कि इसमें मेरा नाम सदा प्रतिष्ठित रहे। इसलिए प्रभु का घर बनाना तो वो आपका घर बनाएगा। बोलिए आमेन। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं वादा करता हूँ, मैं आपका घर बनाऊंगा, अपने हृदय रूपी मंदिर को शुद्ध करूंगा। हालेलुया। 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 प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यहाँ से वचन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बेटे और बेटियों से कहो कि ये लोग मेरा आदर करें तो मैं इनका आदर करूँगा। रिसीव दिस वर्ड टुडे दैट यू विल रिस्पेक्ट जीसस, यू विल रिस्पेक्ट गॉड द फादर, यू विल रिस्पेक्ट द होली स्पिरिट, यू विल रिस्पेक्ट द ट्राइन गॉड एंड ऑनर इन योर फैमिली इन योर लाइफ एंड ही विल ऑनर यू एंड ही विल स्टैंड बिफोर यू व्हेन यू नील डाउन इन फ्रंट ऑफ हिम, ही विल बी रेडी टू ब्लेस यू। वो आपको आशीष देने के लिए तैयार होगा। आप में से प्रभु कह रहा, बहुत सारे लोग मेरा आदर नहीं करते हैं, वे मुख से मेरा आदर करते हैं लेकिन इनका हृदय, इनका परिवार, इनके बच्चे मुझसे दूर है, इनके परिवार, इनके बच्चे मुझसे दूर हैं, मैं कैसे इनको ब्लेस करूँ, मैं कैसे इनको ब्लेस करूँ, ये मेरे पास आना नहीं चाहते हैं। इसलिए द लॉर्ड इज टेलिंग यू, टेल देम टू ऑनर मी, टेल देम टू रिस्पेक्ट द होली डे। प्रभु कह रहा है कि मेरे पवित्र दिन का, मेरे पवित्र दिवस का आदर करें, मेरे पवित्र दिवस का आदर करें। द सेकेंडली द लॉर्ड इज टेलिंग दैट यू लिफ्ट मी एंड आई विल लिफ्ट यू, यू लिफ्ट मी आई विल लिफ्ट यू, तुम मुझे ऊपर उठाओ और मैं तुम्हें ऊपर उठाऊंगा, तुम मेरा नाम ऊंचा करो और मैं तेरे घराने का नाम ऊंचा करूंगा।
प्रभु कह रहा है इनसे बोलो कि ये मेरा नाम ऊंचा करे तो मैं इनके घर आने का नाम ऊंचा करूंगा। ये आज का संदेश है आपके लिए, ये आज का संदेश है आपके लिए। जिन घरों में परमेश्वर का आदर नहीं, सम्मान नहीं है, इबादत नहीं है, प्रार्थना नहीं है, कलाम नहीं है, पढ़ा नहीं जाता, वचन सुना नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता, प्रभु कहता है मेरे इन बेटे और बेटियों से बोलो कि मेरे हथियारों को लिए रहें ताकि ये शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो जाएं। मैं इनके आगे आगे चलूंगा, मैं अपना स्वर्गदूत इनके आगे आगे भेजूंगा, यात्रा में वो इनकी सहायता करेगा, संरक्षण प्रदान करेगा। द लॉर्ड इज टेलिंग टेल देम ये मेरा नाम ऊंचा करें और मैं इनका नाम ऊंचा करूंगा। कहता है प्यारे भाई और बहनों कि अगर तुम बाइबल उठाओगे तो बाइबल तुम्हें उठाए रहेगी, ये आपका मार्गदर्शन करेगी। Therefore, read it every day, read ये वचन प्रभु के आपकी जिंदगी में धार्मिकता के रहस्यों को खोलेंगे कि हमें किस तरह से धार्मिकता में बढ़ना है। और आपकी ज्योति प्रभु कहता है ऊषा की तरह चमकेगी। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 58 कि अगर तुम मेरी विधियों निधियों और निधियों का पालन करोगे, आदेशों का पालन करोगे, मेरी बातों को मानोगे तो प्रभु कहता है तुम्हें आनंद प्राप्त होगा। बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 58:8 तब तुम्हारी ज्योति ऊषा की तरह फूट निकलेगी, तुम्हारा घाव शीघ्र भर जाएगा, तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी। योर राइचियसनेस विल गो इन फ्रंट ऑफ यू and my righteousness, my glory will follow you. यदि तुम मुझे पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा कि देखो मैं प्रस्तुत हूं। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचारों को दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे, किसी की निंदा नहीं करोगे तो प्रभु कहता है तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। Verse 14 तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। कहता है मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा, तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तुम तृप्त करूंगा, यह प्रभु का कहना है। बोलिए आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए स्त्रोतकार कह रहा है इस वक्त कि तुम प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाओ। लुक एट जीसस, जीसस विल लुक एट यू, लुक एट जीसस, लुक एट इन दिस ब्लेस्ड सैक्रामेंट ऑफ द ऑल्टर। प्यारे भाइयों और बहनों इस पवित्र रोटी को देखिए, यहां पर स्वर्ग का वो नजारा है जहां सैकड़ों स्वर्गदूत उसकी आराधना कर रहे हैं और आप उस आराधना में शामिल हैं। इस वक्त पवित्र आत्मा हम पर अधिकार लिए हुए हैं। स्त्रोतकार कह रहा है यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारे मनोरथ को पूरा करेगा। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे तो वह तुम्हारे मनोरथ पूरा करेगा। द लॉर्ड इज टेलिंग इनमें से कुछ लोग हैं जो अपने ही कामों में आनंद पाने के लिए दौड़ रहे हैं परंतु इन्हें आनंद नहीं मिल रहा है। इन्हें बोलो ये अपना आनंद मुझ में खोजे और अपना जीवन प्रभु को अर्पित करें, उस पर भरोसा रखें और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। आप में से कुछ लोग अन्य बातों पर विश्वास करते हैं जैसे धागे, ताबीज, वस्तु शास्त्र, अनेक चीज़ें, दिशाओं पर, ग्रहों पर। आप में से कुछ लोग हैं प्रभु कह रहा है जो उन पर भरोसा करते हैं, मेरे पास ईमानदारी से नहीं आते इसलिए इनकी दुष्टता इन्हें दंड देती है। बट आई विल हील देम प्रभु कह रहा है, वादा करता हूँ, क्योंकि वो अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है, वो अपने भक्त के घर में डेरा डालता है। प्रभु कहता है मुझे अपने नाम की शपथ मैं अपनी प्रतिज्ञा भंग नहीं करूंगा, मैं अपना नाम कलंकित नहीं होने दूंगा, क्योंकि मेरे दास ने मध्यस्थता की है इसलिए अब मैं इनकी प्रार्थना को सुनूंगा और इन पर दया कर दूंगा। बोलिए आमेन। द लॉर्ड इज रेडी टू फॉरगिव यू, आर यू रेडी टू फॉरगिव योर ब्रदर और योर सिस्टर? प्रभु आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। क्या आप अपने भाई बहन, मम्मी पापा, अपने बुजुर्गों को, दादा दादी, नाना नानी को क्षमा करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्षमा करने को तैयार हैं? हाँ, तो प्रभु कहता है यदि तुम एक दूसरे को सहन करने, क्षमा करने, प्रेम करने के लिए तैयार हो तो मैं भी तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तैयार हूँ। बोलिए आमेन,
हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रभु मेरे घर में रह जाइए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ, हालेलुया 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 हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, चंगाई की छुटकारे की प्रार्थना में हम जाएंगे, लगातार प्रभु की स्तुति करेंगे और प्रभु हमें ब्लेस करे एक एक व्यक्ति को। The Lord will be moving right now, आप लोगों के बीच में इस वक्त परमेश्वर आप लोगों को स्पर्श करेगा, मसा करेगा। हम लोग इस वक्त प्रभु की स्तुति करेंगे और उसकी चंगाई आपके ऊपर उतरे और आप लोगों को आशीष प्रभु प्रदान करे। कोई है जो शरीर की नसों से जो ब्लॉकेज है उससे पीड़ित है, चलने फिरने में बड़ी समस्या है, प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं। यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ, जैसा आपने विश्वास किया है आपके जीवन में वैसा हो जाए, बोले आमेन। इस वक्त बंधन टूटे, हम प्रार्थना करेंगे सब लोग एक मन एक प्राण होकर मेरे साथ। जितने भी लोग इस वक्त दूर दराज ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे, जुड़ जाएं, प्रार्थना करें, बंधन टूटे यीशु के नाम से, हर प्रकार का बंधन टूटे। Ooh.
लहू जीवन देता है, दिल में सुकून भरता है, तेरा लहू जीवन देता है, तेरा लहू, 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 तेरा लहू ढाल और किला, सबकी पना मजबूत आसरा, तेरा लहू ढाल और किला, सबकी
आत्मा तुझे आदेश देता हूँ प्रभु के इन बच्चों को छोड़ कर निकल और उसके क्रूस के नीचे बन जा, जल के राख हो जा, बोले आमेन। रसौलियों की दुष्ट आत्मा आपके शरीरों को छोड़े और जल के राख हो जाएं, आमेन। सर्वाइकल के रोग, पेट के बीमारियां, यूट्रस के रोग, इन्फेक्शन, स्किन के इन्फेक्शन, यीशु के पवित्र सामर्थी लहू के विलेपन से अभी और इसी वक्त दूर हो जाएं, चंगे हो जाओ, आमेन। चंगे हो जाओ, आमेन। जैसा आप लोगों ने विश्वास किया आपके जीवन में प्रभु वैसा ही प्रकट करे, आमेन। मैंने कहा प्रभु ने संदेश दिया है, लकवे से पीड़ित व्यक्ति को प्रभु चंगाई दे रहे हैं और उसे खड़ा करने का वादा कर रहे हैं। यू हैव बीन हील्ड प्रभु यीशु के नाम से। आप उठो और चलो फिरो, आपके पाप क्षमा हो गए, उसका लहू आपके शरीर की नसों में बहने लगे और प्रभु आपको चंगाई प्रदान करे, बोले आमेन, 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 आमेन। यीशु ने कहा मैं इनका ईश्वर होऊंगा, मैं इनके बीच में निवास करूंगा, मैं इनका अपना परमेश्वर होऊंगा, मैं इन्हें तसल्ली दूंगा, इनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, जब जब आप उसे पुकारते हैं और वो आपके बीच में हाजिर रहता है, जब वो छूता है तो आपको कुछ हो जाता है, जैसे रक्तस्राव पीड़ित स्त्री को हो गया। उसने विश्वास के साथ यीशु का पल्ला छू लिया और उसने अपने शरीर में महसूस किया कि उसका रक्त स्राव सूख गया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर में महसूस किया कि कुछ हो गया, आपको कुछ हो गया है। आज आज कुछ अलग था, पवित्र आत्मा ने एक विशेष तरीके से आपको छुआ, शरीर में कंपन के रूप में, शरीर में गर्माहट के रूप में, अनयूजुअल पसीने के रूप में आपको उसने छुआ है। आपके मन पर उसने अधिकार लिया, आपके शरीर पर उसने अधिकार लिया, उसका पवित्र दाहिना हाथ, प्यारे भाई प्यारी बहन, आपके शरीर में उस जगह को छूता हुआ चला गया। जिनके शरीर में रोग है, बीमारी है, मानसिक रूप से जो बीमार हैं, जो वर्तिगो की प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, सर्वाइकल के रोग से पीड़ित हैं, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से पीड़ित हैं, शरीर की गांठों की, लिपोमा की गांठों से पीड़ित हैं, यीशु के नाम से आज प्रभु के पवित्र लहू से आप सभी को विलेपन करता हूँ। प्रभु के पवित्र लहू से सिर से लेकर पांव तक आपको मैं विलेपन करता हूँ। जो गर्भवती महिलाएं हैं प्रभु उन्हें आशीष प्रदान कर रहे हैं, प्रभु उन्हें आशीष प्रदान कर रहे हैं और वादा करते हैं कि मैं तेरी इस वंश को महान बनाऊंगा, तेरा नाम ऊंचा करूंगा, बशर्ते कि तू मुझ में रहे और मेरा नाम ऊंचा कर, तू मेरा नाम ऊंचा कर। अपने हाथ उस जगह पे रखिए जहां कहीं भी आपको समस्या है, सिर में हो, कंधों पर हो, शरीर में हो। इस वक्त प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपको स्पर्श करे, उसका पवित्र लहू लेकर उस जगह पर प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में लगा लेना, अब प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। आप लोग महसूस करेंगे किसी का बायां हाथ काम नहीं करता है, कोई व्यक्ति बायां हाथ उठाने में असमर्थ है और इस वक्त वो प्रार्थना कर रहा है, उसके बहुत सारी समस्या है, प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। द लॉर्ड इज हीलिंग यू, रिपेंट, बिलीव, ट्रस्ट इन जीसस, ऑनर हिम एंड ही विल ऑनर यू, ही विल ऑनर यू। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहां, जब यीशु ने मुझको छुआ। The Lord is touching. प्रभु आपको छू रहे हैं, जहां जहां आपने हाथ रखा है उस जगह को वो स्पर्श कर रहा है। आप अपने शरीर में महसूस कीजिए, मन में महसूस कीजिए, विश्वास कर लीजिए कि जैसा प्रभु ने कहा वैसा हो गया, जैसा आपने मांगा वैसा आपके जीवन में हो गया और आपको दिया जाएगा। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। कुछ हुआ मुझे yes, अभी अभी यहाँ।
जब यीशु ने मुझको छुआ 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 यीशु ने मुझको छुआ, कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु जब यीशु ने मुझको छुआ, उसने अंधे की आंखों को छुआ तो उसकी आंखों में रोशनी आ गई, उसने नाइम की विधवा के बेटे की अर्थी को छुआ तो उसका बेटा जिंदा हो गया और उसने उसे वो अपनी माँ के सुपुर्द कर दिया। पत्रस के घर में उसने उसकी सास जो बुखार से पीड़ित थी उसका हाथ छुआ तो वो चंगी हो गई। जेरुस के घर में उसकी बेटी जो 12 साल की थी मर चुकी थी उसको उसने जाकर हाथ पकड़ा और कहा, तालिथा कुम्मी, अर्थात ओ लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और वो उठ बैठी। आपकी जिंदगी में भी वो आपका हाथ पकड़े हुए, अपने हाथों को सिर पे रखना, वो उसका हाथ आपके सिर पे महसूस करना, अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रखना और प्रभु से कहना, प्रभु कुछ हो रहा है मुझे, आप छू रहे हैं, मैं विश्वास कर रहा हूँ। जिन बच्चों को ज्ञान की कमी है, जिन बच्चों के जीवन में स्मरण शक्ति नहीं, जो याद नहीं कर पाते हैं, जो इंटरव्यू में परीक्षाओं में बार बार फेल हो जाते हैं, प्रभु से कहना, मेरे दिल और दिमाग को, मेरे मस्तिष्क की नसों को छू लेना प्रभु, मेरे शरीर में मस्तिष्क में जो भी कमी कमजोरी है तेरे स्पर्श से वह दूर हो जाए, मुझे चंगा करना। कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ, कुछ हुआ मुझे अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ, कुछ हुआ अभी अभी यहाँ, जब यीशु ने मुझको छुआ। आप में से बहुत सारे लोगों को प्रभु ने आंसुओं का वरदान दिया, बहुत सारी आंखें इस वक्त आंसू छलक रहे हैं, अस्पष्ट आहों के द्वारा पवित्र आत्मा आपके जरिए प्रार्थना कर रहा, जो आपने मांगा है विश्वास करना वो आपको मिल गया और आपको दे दिया जाएगा। कैंसर की बीमारी के लिए कोई छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपको आशीष प्रदान कर रहे, आपके दुखों को हल्का करता है और आपको चंगाई प्रदान करते हैं। कोई है जो संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा है, पिछले 7 सालों से संतान नहीं है, प्रभु आपको बच्चे के वरदान से ब्लेस कर रहे हैं। ऐसे दंपति के लिए प्रार्थना की जा रही है जो निसंतान है, चाहे वो आपके घर में हो या मौजूद हैं, प्रभु आपको संतान का वरदान प्रदान कर रहे हैं। उसके छूने से बहुत कुछ होता है प्यारे भाई और बहनों, बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े काम होते हैं, अंगीकार करना। अगर वो छू ले तो प्यारे भाइयों और बहनों हमारी जिंदगी बदल जाती है। वो अर्धांग रोगी जो 38 साल से बीमार था, प्रभु ने उस पर तरस खाया और उसे चंगा कर दिया, उसे चंगा कर दिया, कोड़ियों को उसने शुद्ध कर दिया। इन हाथों में प्यारे भाइयों और बहनों उसके मसा था, इसलिए कहना, खुदावंद तेरे छूने से बड़ा काम होता है, बड़ी आशीष आती है, मैं विश्वास करता हूँ कि तूने मुझे छुआ। धन्यवाद देना इस गीत के द्वारा प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु की आशीष आज आपकी है, उन्नति आपकी है, हर चीज में उन्नति आपकी है, आपकी आटा गूंदने की परात भी परमेश्वर ने आज ब्लेस की है, आपके गाय बैल भेड़ बकरियों के बच्चों, आपके नाती पोतों को प्रभु ब्लेस कर रहे हैं इस वक्त, जो सच्चे हृदय से उसकी स्तुति कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इसलिए अंगीकार करना, जैसे रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने अंगीकार किया कि मैं चंगी हो गई हूँ, मेरा रक्तस्राव सूख गया है, आप भी कहना, मैंने जो मांगा मुझे मिल गया है। खुदावंत तेरे छूने से, खुदावंत तेरे छूने से,
बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से, बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से, बड़े बड़े काम होते हैं खुदावन तेरे छूने से, बड़े बड़े काम होते हैं। कोई है जो नया बिजनेस शुरू करना चाहता है, इस वक्त प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आपके बिजनेस को आशीष प्रदान कर रहे हैं, जैसा आपने विश्वास किया आपके जीवन में हो जाए। तू ही है दे अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, लंगड़े चलाए तो बड़े
सभी घुटना टेकेंगे, अपने दोनों हाथों को वेदी की ओर उठाना, अपनी आंखें प्रभु की ओर लगाए रहना, विश्वास की आंखों से प्रभु को देखना, जैसे अंधे ने यरीको के रास्ते में यीशु को पुकारा और कहा, ओ ईसा नाजरी दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। और प्रभु ने उस पर दया की। जितने लोगों ने आज ये वचन सुने हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन जितने भी लोग कनेक्टेड हैं, सबको प्रभु ने प्रायश्चित का वरदान प्रदान किया है। एक भाई को आशीर्वाद प्रभु ने दिया है अपने दूसरे भाई को क्षमा करने का, इसलिए आप सॉरी बोल देना, आपके सारे बंधन आपके परिवार से टूट जाएंगे प्यारे भाई और बहनों, ये प्रभु ने वादा किया है। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, दोनों हाथों को प्रभु की ओर उठाना और इस चंगाई को ग्रहण करना। द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू। दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तू डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम तेरी आराधना करते, तेरी स्तुति गाते और तेरी महिमा गाते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 में प्रभु आपका वचन कहता, मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता है। तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे और वह तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद प्रदान करेगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन अध्याय 41 भजन संहिता पद संख्या 4-5 में कहता है, प्रभु उसे रोग शैया पर सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदलता है। प्रभु आपका वचन कहता है, अब मैं उन्हें स्वस्थ करूंगा क्योंकि मैं दुखियों को दिलासा दूंगा और उनके घावों पर पट्टी बांधूंगा। धन्यवाद प्रभु आज के इस पवित्र संध्या के लिए, जबकि तूने अपनी इस प्रजा पर दया की, अपने दास की प्रार्थनाओं को तूने सुना और तूने अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित किया। इनके घरों पर, इनके बेटे बेटियों पर आशीष प्रदान कर, इनके नाती पोतों को प्रभु ब्लेस कीजिए, तेरी रूह का मसा इनके घरों में छाया रहे, इनके आटा गूंदने की परात, इनके दफ्तर, इनकी संस्थाएं जहां पर ये काम करते हैं, इनके काम करने की जगह, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू से ब्लेस करने की कृपा कर। तंत्र मंत्र, जादू टोना, धागे, ताबीजों की दुष्ट आत्माएं इनके जीवन से निकले और जल के राख हो जाएं, इन्हें सच्चा प्रायश्चित करने का वरदान दे। दाम्पत्यों के जीवन को प्रभु क्षमा कर, मम्मी पापा से जो गलतियां हो गई जाने अनजाने में प्रभु, भ्रूण हत्याएं हो गई हैं, अपने बेटों और बेटियों को इन्होंने श्राप दिया अज्ञानता के कारण, इन्हें माफ करने की कृपा कर। प्रभु यीशु, तेरा पवित्र लहू तेरे इन बेटे बेटियों की हड्डियों की मज्जा तक में पहुंचे, इन्हें शुद्ध करे, पवित्र करे, इनके नसों को प्रभु यीशु खोल दे, तंदुरुस्ती प्रदान करना, इनके घर के चारों कोनों में रक्षा स्तंभ लगाना। पिता परमेश्वर, आपका वचन एजेकेल नबी में के ग्रंथ में कहता है कि मैं आग की दीवार बनकर तुम्हारे घर के चारों ओर खड़ा रहूंगा, तुम्हारे घर की चार दीवारी निरंतर मेरे आंखों के सामने रहती हैं। हे प्रभु, ये तेरे बच्चे हैं, अब तो इन पर दया कर, ये प्रायश्चित कर रहे हैं, इनके बंधनों से इन्हें आजाद कर, पुराने जीवन की निरर्थक जीवनचर्या, बाप दादाओं के पापों श्रापों से अब तो इन्हें आजाद कर और अपनी रूह का ताजा मसा और अभिषेक प्रदान कर। हे प्रभु, तेरा वचन कहता है तुम्हें किसी जड़ी बूटी के लेप से नहीं, परंतु प्रभु के वचन ने तुम्हें चंगा किया है। तेरी प्रजा इस वचन को स्वीकार करे और तेरी कृपा का पात्र बन जाए। इन पर दया करना, जैसा इन्होंने विश्वास किया है इनके जीवन में पूरा हो जाए। मेरी प्रार्थना सुन लो, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। हम प्रभु की
आराधना करेंगे, इस पवित्र संस्कार को हम आदर देंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सर झुकाएं। जोरदार तालियां बजाइए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जोरदार 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 जोरदार। खड़े हो जाएंगे इस समय, प्रभु को आदर देंगे। तालियां बजाते हुए मेरे पीछे गाइए। हाथों को उठा के